छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली का अलग रूप देखने को मिला। कभी नक्सलियों के लिए वर्दी सिलने वाले व्यक्ति आज बस्तरवासियों के लिए कोरोना महामारी से जान बचाने के लिए मास्क सिल रहा है। एक हाथ जो कभी बस्तर में खून बहाने वाले नक्सलियों के लिए कपड़े सिला करते थे, वही हाथ आज बस्तरवासियों की जान बचाने मास्क सिल रहे हैं। दरअसल पूरा मामला सुकमा जिले का है, जहां एक आत्मसमर्पित नक्सली कोरोना से लोगों को बचाने के लिए मास्क तैयार कर रहा है। नक्सली का नाम मड़कम लक्का है, जो कभी संगठन में नक्सलियों के लिए वर्दियां सिला करता था। आत्मसमर्पण करने के बाद कोरोना महामारी से रहवासियों को बचाने के लिए लक्का ने अपने हुनर को देश हित में लगाने की ठानी। आज वह न सिर्फ स्वयं रोजाना 100 मास्क सिल रहा है, बल्कि जरूरतमंदों को पहुंचा भी रहा है, बल्कि अन्य आत्मसमर्पित नक्सलियों को मास्क बनाना सिखा रहा है और इस नेक काम में उनको प्रेरित कर मास्क बनवा रहे हैं। मड़कम लक्का जगरगुंडा थाना क्षेत्र के भीमापुरम का रहने वाला है और 2019 में इसने समर्पण किया था। मैं पहले संगठन में रहकर नक्सलियों का वर्दी सिलता था। 2019 11 अगस्त को मैं यहाँ सिलेंडर करने के बाद मैं यहाँ मास्क सिल रहा हूँ, अपने देश में जो कोरोना बीमारी से बीमारी के बचने के लिए मास्क बना रहा हूँ। ये मास्क सब लोग आप लोग पहने और आप लोग अपना अपना घर में सुरक्षित रहे और जो सरकार का नियम पालन करिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।